मिस्टेक्स टू अवॉइड इट फेवल। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बट हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैंने सोचा था कि ये शॉर्ट बनेगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में डालूंगी, बट बड़ी बन गई है तो मेरे को ऐसे डालनी पड़ रही है, सो प्लीज़ कॉपरेट। तो नंबर वन, डोंट डू योर मेकअप बाय योर ओन सेल्फ यार, हम उतने प्रो नहीं है, बहुत बेकार हो जाता है केकी सा, सो डोंट गो फॉर द मेकअप बाय योर सेल्फ, गो टू अ सलोन और अ गुड पार्लर वाली दीदी, वो तुम्हारा फिर भी अच्छा कर देंगी, खुद मत करो, बैंड बन जाएगी बैंड। नंबर सेकेंड, पार्टिसिपेट इन एवरी फ्रीकिंग गेम, कोई डांस हो रहा है, कोई सोलो डांस हो रहा है, ग्रुप डांस हो रहा है, सिंगिंग हो रही है, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करो, एक ही दिन है मौज मस्ती का स्कूल की, प्लीज़ डू पार्टिसिपेट, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे डर डर के हाय बेइज्जती हो जाएगी, हंस लेंगे लोग, ये वो करके पार्टिसिपेट नहीं करते, तुम करोगे, मैं कह रही हूँ तुम करोगे, क्योंकि नहीं करोगे ना बाय गॉड बहुत ज़्यादा एक अच्छा मोमेंट तुम मिस कर रहे हो, और क्या पता बाय चांस तुम्हारा लक खुल जाए और तुम्हारे अपोजिट जो तुम्हारा पार्टनर हो वो तुम्हारा क्रश हो सकता है, यस किसी के साथ बीती हुई है, समझा करो। थर्ड टिप, अगर आप रैम वॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके बाद एक Q&A राउंड भी होता है, तो दो तीन पिछले साल के क्वेश्चन आंसर्स ना इसे पढ़ के चले जाना कि मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा हो सकता है कि आप तुम सेलेक्ट हो जाओ, जैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी तो मैं पढ़ के ही नहीं गई मैं पढ़ के ही नहीं गई, और जैसे सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा मैम ने, मैंने इतना सिली आंसर दिया ना, इतना सिली आंसर बताने लायक भी नहीं, इतना सिली। से मानुषी चिलर से क्या पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा पेड जॉब कौन सी होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला था मदर की होनी चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड आंसर, और मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप एक चीज़ पूरी दुनिया को बांटना चाहते हो, मतलब सब लोगों को तुम्हें एक एक सेम चीज़ बांटनी है तो वो क्या होगा, और मेरा आंसर तो बताने लायक है नहीं, बट हाँ अगर आप कुछ अच्छा इनोवेटिव आंसर हो सकते हो तो डू कमेंट्स में बताओ कि क्या हो सकता है वो, थर्ड या फोर्थ जो भी है, थर्ड फोर्थ थर्ड। नेक्स्ट एडवाइस ये ये कि जो गेम्स खेल रहे हो हील्स पहन के मत खेलो, लग जाएगी बुरी वाली लग जाएगी, क्योंकि जब हमारा गेम हुआ था तो गर्ल्स हील्स पहन के खेलती है, हम एक मिनट में यूँ साफ सॉरी बॉयज़ तो हील्स पहनते नहीं, गर्ल्स पहनती हैं, और इसी वजह से हम गेम से आउट हो गए थे, तो कोई शर्म नहीं है किस इसी इस चीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं है, नंगे पैर गेम खेलो भाई, जीत के आना है। रिमूव द हील, जो मैंने नहीं की थी, मैंने हील्स पहन के गेम खेला और मैं पहले ही राउंड में पिस पिस हो गई, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। हाँ जब जजेस क्वेश्चंस पूछते हैं ना Q&A राउंड में तो थोड़ा सा सोच के बोलो, एकदम ऐसा होता है ना किसी ने क्वेश्चन पूछा ऐसे बोलने लग जाते, नहीं ये बहुत ही बेकार वे होता है, थोड़ा सा ऐसा सहजता से थोड़ा काम रह के ऐसे यस यस मैम ऐसे थोड़ा सा सोच के कि हाँ काफ़ी समझदार बंदा है ना, टीचर को भी लगे क्या बोलने वाला है, मैं इतनी बुद्धू इतनी ज़्यादा बुद्धू हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछा मैम ने और मैंने आंसर दे दिया, जैसे पता नहीं मैं रट के आई हुई थी, और इतना बकवास सा इतना बकवास मतलब कोई हंसा नहीं वैसे, पर मैं खुद को देखूँ ना मैं हंस हंस के पागल हो जाती, इतना घटिया आंसर दिया था मैंने कि मैं वो एक शिट यार मानसी। नेक्स्ट एडवाइस इज नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो कि मैं नहीं रही, क्योंकि नेगेटिव इंसान कैसे होते हैं ना, वो तुम्हारा भी मूड नेगेटिव इंसान ऐसे होते हैं ना, तुम्हारा मूड स्पॉइल कर देंगे ये बोल के तुम पतली लग रही हो, तुम मोटी लग रही हो, हाय यार तू तो गंदी लग रही है, तेरा मेकअप खराब, तेरे बाल खराब हो गए, शिट यार तूने अच्छी हील्स नहीं पहनी। गर्ल्स में तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, क्योंकि वो खुद तो बैंगन जैसे हैं, हैं तुम्हें तो बता बता के तुम्हारा और मूड खराब करेंगे, तो उनसे दूर ही रहो भाई, तुम जाओ, हम जैसे लग रहे हैं हम तो कैटरीना कैफ हैं, तुम्हारे ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है ठीक है, तो ये वाला एटीट्यूड रखना। और फोटोज़ लेना मत भूलना यार, मैं लोग कहते हैं लिव इन अ मोमेंट लिव इन द मोमेंट, ना मैं मोमेंट में लिव कर पाई अपनी फेयरवेल पे, ना मैं सबके साथ मतलब कुछ के साथ लिए एक दो फोटोज़ क्लासमेट्स के साथ, पर जो एक्स क्लासमेट्स थे जो टेंथ के लोग थे यार, मैं उनके साथ फ़ोटो ही नहीं ले पाई, पता नहीं क्यों मैं कहाँ घूमती, इतनी ईडियट लड़की हूँ ना मैं फ़ोटो नहीं ले पाई यार, उन्हें अब फील होता है यार, काश ले ली होती तो फोटो देख के हंस रहे होते, सो फोटोज लो, मोमेंट्स बनाओ, मेमोरीज क्रिएट करो, और हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ वेरी गुड फेयरवेल, ओके बाय बाय, एंजॉय।